बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड और उसी को हम ऑनवर्ड आज लेके चलेंगे। तो बेटा ये बेसिकली हम ना सेकंड ईयर में एक चैप्टर है 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए, वहां पर चूंकि पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है तो हम उसकी बेसिस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑनवर्ड हम जो है वो ऑफिशियली 20 चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। यही टॉपिक आपकी फर्स्ट ईयर की बुक जो है उसमें सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड के नाम से ये आर्टिकल मौजूद है। ठीक है जी, तो ये दोनों हमारी बुक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को टच कर रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डीएनए का और आरएनए का, यानी न्यूक्लिक एसिड का। तो उसमें हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डीएनए। ठीक है जी, आज जो हम देखेंगे उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया था। आज जो हम देखेंगे वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क देखेंगे हम। तो आपने समझना है इसको, हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे और ये समझ भी आएगा आपको। तो आपने इसको ना देखना है जरा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइड से। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड मैं कट कर लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? तो आप जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट्स की। न्यूक्लियोसाइड बना किस चीज से? कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा फर्क है। इसके कंपोनेंट्स यानी न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट्स दो हैं। ठीक है जी, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके? एक इसका कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, एक कंपोनेंट है जी पेंटोज 5 कार्बन शुगर, जिसे आप डिटेल से पढ़ा आपने। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है जी, और ये दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो हम जो है ले जी, ये हम एक टेबल सा बना लेंगे। तो ये पेंटोज शुगर, ठीक है जी, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। आपको पता है दो तरह की होती हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। और प्यूरीन के अंदर हमने देखा एडेनिन गवानिन आ जाती है। ठीक है जी, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है मैं नाम लिख रहा हूं उनके, एडेनिन गवानिन देन साइटोसिन देन थायामीन देन यूरासिल। तो ये हमारे पास 5 नाइट्रोजनस बेसिस थी और ये हमारे पास पेंटोज शुगर, वही पेंटोज शुगर। उसमें भी मैंने आपको बता दिया था पेंटोज अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबो होगी और अगर आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेंटोज शुगर थी, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है। दोनों कंपोनेंट कंबाइन होंगे बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एक जनरल टर्म है। ठीक है जी, जब आप न्यूक्लियोसाइड को स्पेसिफाई करेंगे, ये जी आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई। आप जब स्पेसिफाई करेंगे तो इसका कोई ना कोई नेम होगा, ये जी नेम। स्पेसिफाई जब हम न्यूक्लियोटाइड को करते हैं, न्यूक्लियोसाइड को करते हैं, तो वो किस बेस पे करते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पर। अगर नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ठीक है जी, अगर नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास एडेनिन, तो फिर न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा यानी एडेनिन विद पेंटोज शुगर, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का नेम क्या होगा? एडिनोसिन, एडिनोसिन। ठीक है जी, इसी तरह अब एडिनोसिन भाई एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, पेंटोज भी है एडेनिन भी है। ठीक है जी, चूंकि नाइट्रोजनस बेस को हमने स्पेसिफाई कर दिया इसलिए न्यूक्लियोसाइड भी स्पेसिफाइड हो गया, यानी ये एडिनोसिन बन गया। यहां पर आप चेक करें नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, गवानिन, तो ये हो जाएगा गवानोसिन, गवानोसिन। ये अब ये मैं नाम लिख रहा हूं किनके, न्यूक्लियोसाइड्स के। साइटोसिन कंबाइन विद पेंटोज शुगर इट विल फॉर्म
साइटिडिन, ठीक है जी। इसी तरह थायामिन कंबाइन विद पेंटोस शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड एंड हिज नेम इज थायमिडीन, ठीक है जी। यूरासिल नाइट्रोजनस बेस कंबाइन विद पेंटोस शुगर एंड इट्स नेम इज व्हाट, यूरिडिन। अब ये नाम है किसके, न्यूक्लियोसाइड्स के। ये नेम किसके हैं जी, न्यूक्लियोसाइड्स के। ये नेम है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स के। ये थी जी हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस, ये पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबो, आरएनए होगा तो राइबो शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस ये वाली, ठीक है। दोनों कंबाइन होंगे बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के नेम ये हैं, ठीक है जी। अगर एडेनिन होगी तो एडिनोसिन, गवानिन तो गुवानोसिन, साइटोसिन होगी तो साइटिडीन, थायामिन होगी तो थायमिडीन, यूरासिल होगी तो यूरिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने पेंटोज को किस शक्ल में बनाया था। मैंने पेंटोज को एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है जी। ये एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजनस बेस को मैंने एक ब्लॉक की फॉर्म दी थी। अगर एडेनिन हुई तो मैंने कहा था ए आ जाएगा, अगर साइटोसिन हुई तो सी आ जाएगा, अगर अगर गवानिन तो जी, अगर साइटोसिन तो सी, अगर थायामिन हुई तो टी आ जाएगा, और अगर यूरासिल हुई तो यू आ जाएगा। ये शक्ल हमने दी थी। तो बेटा यहां पर आप उसी कार्टून्स की फॉर्म में अगर ले जाएं तो मैं बना रहा हूं न्यूक्लियोसाइड, और कौन से वाला, एडिनोसिन, एडिनोसिन के सामने, ठीक है जी। व्हाट इज दिस, दैट इज पेंटोज, और पेंटोज के सामने यहां पर कार्बन नंबर वन पे हमने लगा दी थी क्या जी, नाइट्रोजनस बेस, और वो कौन सी है जी, एडिन। तो ये असल में एडिनोसिन बने, ठीक है। अब गुवानोसिन बना के देखें, ले जी। तो ये हमारे पास पेंटोज, पेंटोज के साथ ये प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ये डायग्राम। तो गवानिन, ठीक है जी, ये हमारे पास गवानिन प्लस पेंटोज गवानोसिन, ये चेक करें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये साइटिडीन, क्योंकि और इसी तरह से ऑनवर्ड। तो ये हमने बना लिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। बेटा न्यूक्लियोटाइड को समझना आपने, यहां पर हम न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के जब आप कंपोनेंट्स की बात करेंगे, पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की आप बात कर लें, कंपोनेंट्स। तो न्यूक्लियोटाइड के आपको पता है तीन कंपोनेंट्स हैं, ऐसे है कि नहीं, तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहला कंपोनेंट हमने देखा था पेंटोज, पांच कार्बन शुगर। दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेसिस, बेसिस, और तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने कहा, हमने कहा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। इट मींस कि ये दोनों चीजें क्या बना रही हैं, यानी पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और बेटा जब न्यूक्लियोसाइड के साथ आप क्या मिलाएंगे, आप मिलाएंगे फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इट विल फॉर्म व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड में तो तीनों चीजें आ गई ना, एक ये और दो ये, यानी न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का कंपैरिजन। अब हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, देखिएगा। तो ये हमारे पास एडिनोसिन जो है, इट इज अ कंबिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर प्लस, पेंटोज शुगर प्लस एडेनिन, यानी दो चीजें तो इसमें हैं। आप यहां पर ले ले न्यूक्लियोसाइड्स की फेरिस्ट एडिनोसिन, ले जी यहां पर एडिनो
एडिनोसिन, एडिनोसिन इज व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। दो चीजें हो गई एडिनोसिन के आने से, दो चीजें हो गई, कौन कौन सी, पेंटोज और एडेनिन। भाई इसके साथ क्या मिलाना है हमने, इसके साथ हमने मिलाना है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। और अगर फॉस्फेट ग्रुप आप एक जोड़ते हैं, आप क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एक, जो यहां पे मैं बना के दिखाता हूं आपको, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड एंड मोनो फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट के लगने से इट क्लियर हो गया फॉस्फेट आ गया, यानी ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, क्योंकि तीनों चीजें पूरी हो गई हैं, न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो यहां पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, देखिएगा ये क्या जी, बताना है बेटा आपने, ये क्या हमारे पास, पेंटोज शुगर, और यहां पर हम लगा लेते हैं एडेनिन, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन। ये क्या बन गया, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज एंड नाइट्रोजनस बेस व्हिच इज स्पेसिफाइड नाउ एंड इट इज एडेनिन। तो ये एडिनोसिन बन गया, आप इसके साथ एक फॉस्फेट लगाएं जी, तो व्हाट इज दिस, मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो फॉस्फेट, क्लियर है जी। आप इसके साथ लगाएं क्या, ये जी दोबारा, व्हाट इज दिस, दिस इज पेंटोज शुगर, क्लियर, दिस इज व्हाट, दिस इज पेंटोज शुगर, ले जी पेंटोज शुगर, दैट इज नाइट्रोजनस बेस एंड इट इज एडेनिन। तो भाई ये दोनों चीजें, यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इट इज नाउ एडिनोसिन, एडिनोसिन। और यहां मैं लगा देता हूं दो फॉस्फेट, ठीक है जी, दो फॉस्फेट ले जी, दो फॉस्फेट लग गए, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई, डायमिन टू फॉस्फेट, ठीक है जी, ऐसा एडिनोसिन जिसके साथ दो फॉस्फेट लगे, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अगर अगर एडिनोसिन के साथ तीन फॉस्फेट लग जाए, अगर एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट लग जाए, दैट इज व्हाट, इट इज एडिनोसिन, ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन। और एडिनोसिन के साथ तीन फॉस्फेट लग गए, ठीक है जी, एक फॉस्फेट, ठीक है, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट लगा दिए आपने, तो भाई तीन को ट्राई कहते हैं, ये हो जाएगा ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट करके क्या कहेंगे, एटीपी। बेसिकली एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड, जो आप पढ़ते हैं शुरू से, क्या जी, सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी। भाई एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, तीनों चीजें, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, और तीन है। इसी तरह से यहां पर ये वाले आप चेंज करेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड, आप न्यूक्लियोसाइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप आ जाएंगे गवेनोसिन के ऊपर, गवेनोसिन। अगर अगर नाइट्रोजनस बेस चेंज किया आपने, जी लगा दें इधर, नाइट्रोजनस बेस गवानिन कर दी, तो गवेनोसिन फॉस्फेट एक है, गवेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है जी। अगर फॉस्फेट दो है, गवेनोसिन डाई फॉस्फेट, फॉस्फेट तीन है, गवेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह अगर यहां एक ही जगह सी कर देंगे तो साइटोडीन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाई फॉस्फेट, साइटिडीन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह अगर थायामीन कर दे नाइट्रोजनस बेस तो थायामिडीन मोनोफॉस्फेट, थायामिडीन डाई फॉस्फेट, थायामिडीन ट्राई फॉस्फेट, क्लियर है जी। इसी तरह यूरिडीन, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाई फॉस्फेट, यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट। तो इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, क्लियर हो गया जी। याद रखना है आपने, याद रखना आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड तो तीन तरह के है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और
ट्राइफॉस्फेट, तीन तरह के न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए में कौन सा होता है भाई? डीएनए में मोनोफॉस्फेट होता है। डीएनए में कौन सा होता है? मोनोफॉस्फेट। जब न्यूक्लियोटाइड आते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए तो वो ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ठीक है। फिर ये बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है 7.3 किलो कैलोरीज, ठीक है जी, टिल्डी बॉन्ड इसे हम कहते हैं, ये वाला जो है, और ये एनर्जी रिलीज करते हैं और रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से फाइनली जो है वो मोनोफॉस्फेट बनते हैं और चेन के अंदर मोनोफॉस्फेट को जोड़कर हम नया डीएनए बनाते हैं। तो दैट्स द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। ऑनवर्ड लेक्चर में हम जो है वो 20 चैप्टर जो है सेकंड ईयर का क्रोमोसोम एंड डीएनए को देखेंगे कल वाले लेक्चर में। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।